हम लोग हमेशा से ही आते हैं, हमारा आस्था है इस मंदिर में, इसलिए आते हैं। बहुत टाइम हो गया भैया नवरात्र में आते हैं। 2 साल से लगातार आ रहे हैं हम लोग और माता की कृपा है। 2 साल से आ रहे हैं और नवरात्रों में ज़रूर आते हैं, आस्था है। 2 साल, काफ़ी साल से लगातार आ रहे हैं यहाँ पे। कई सालों से लगातार आ रहे हैं झंडे वाली माता के दर्शन के लिए। जय माता दी। हर नवरात्रों में आते हैं हम। जय माता दी। जय माता दी जी। जय माता दी। माँ के दर्शन तो बस निराले ही हैं, उनके करते ही रहे, आंखें नहीं बंद होती हमारी। देशवासियों को आज हम झंडे वाला मंदिर के बारे में बताना चाह रहे हैं। हमारे साथ हैं एनके सेठी जी, जो मंदिर के इतिहास के बारे में बखूबी देश की जनता को बताएंगे। झंडे वाला मंदिर एक बहुत प्राचीन मंदिर है, जो खुदाई में हमें ये अवशेष मिले हैं उनके मुताबिक ये मंदिर 1498 का है। 1498 में मुगल काल था, अकबर का काल था, तो उस समय क्या इतिहास था उसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन आज से कोई करीब 150 वर्ष पहले एक बद्री भगत जी थे, कपड़ा व्यापारी थे दिल्ली के, तो ये सारा उपवन था, सैर करने आते थे लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर आते हुए, यहाँ पर आने के बाद उन्हें माँ ने एक आभास दिया कि मैं ज़मीन के नीचे दबी हुई, मुझे निकालो। उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, नेक्स्ट डे फिर आए घूमने, वहाँ बैठे, फिर उन्हें यही आभास हुआ कि मैं यहाँ दबी हुई हूँ, मेरे को बाहर निकालो, जिस स्थान पर आप बैठे हो यही दबी हुई हूँ। तो उन्होंने वहाँ पर खुदाई शुरू करवाई, जगह सारी खरीद ली, खरीदने के बाद खुदाई करवाई, खुदाई में माता की मूर्ति निकली। माता की जो मूर्ति निकली तो अति उत्साही कार्यकर्ता खुदाई कर रहे थे, तो उस खुदाई में जो माँ की प्राचीन मूर्ति है उसके हाथ खंडित हो गए। बद्री भगत जी बहुत दुखी हुए, उन्होंने माँ से क्षमा मांगी, प्रार्थना की, तो माँ ने कहा कोई बात नहीं है, ये मूर्ति यहीं स्थापित रहेगी, तुम इस मूर्ति के चांदी के हाथ लगा के इसको यहीं स्थापित कर रहने दो, और इसके ठीक ऊपर में एक नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापना करो। इस मंदिर की जो ऊपर जो नई मूर्ति है उसकी मूर्ति बद्री भगत जी ने स्थापना करवाई थी। उस वक़्त ये मंदिर शहर से बहुत दूर था, तो बहुत दूर था, लोगों को अब कैसे आभास हो कि यहाँ पर कोई मंदिर है। तो उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ऊंचे स्थान पर एक ध्वज लगवाया था, झंडा लगवाया था, कि लोगों को दूर से पता लगे कि यहाँ पर कोई मंदिर है। तो उस मंदिर का नाम झंडे वाला मंदिर आहिस्ता आहिस्ता पड़ गया, झंडे वाला देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उस वक़्त यहाँ पर 84 घंटे भी लगे हुए थे, जो आज अब मंदिर की उन्नति प्रगति होने पर 7 में उतार दिए गए, लेकिन लोग आज भी, प्राचीन लोग जो है वो इसको 84 घंटे वाली माता तेरी सदा ही जय, ये जयकारा लगाते हैं। हमने देखे हैं 84 घंटे 1948 से लेके, लेकिन 1944 में इस मंदिर का व्यवस्था के लिए एक न्यास गठन किया गया था, उस न्यास का नाम था बद्री भगत झंडे वाला टेम्पल सोसाइटी। उस वक़्त के न्यासी थे, उन्होंने इसकी व्यवस्था अपने हाथ में ली। 1944 के बाद में ये मंदिर तो था, लोग आते थे, कम आते थे, फिर भी शहर से दूर था। जब पाकिस्तान बना 47 में, तो उसके बाद लोग यहाँ पर आके बसने लगे, यहाँ पर लोगों का आना जाना हुआ, इस मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ी। 1982 में इस मंदिर की व्यवस्था प्रेजेंट मैनेजमेंट ने अपने हाथ में ली। प्रेजेंट मैनेजमेंट वही ट्रस्ट है, ट्रस्टी जो है, जिन्होंने ट्रस्ट बनाया था 44 में, उन्हीं के वंशज हैं, और समाज सेवी लोग और जोड़े उन्होंने, उनको लेके एक ट्रस्ट बनाया है। वो ट्रस्ट ही इस सारे मंदिर का काम देखती है। पहले ये मंदिर बहुत छोटा सा था, ये सारा विस्तार जो आप देख रहे हैं अभी इस वक्त, ये पिछले 30 सालों में इतना विस्तार हुआ है, और अभी भी विस्तार जारी है, अभी भी विस्तार चल रहा है। और आज इस मंदिर की ख्याति सारे भारतवर्ष में नहीं, सारी दुनिया में इसकी ख्याति फैली हुई है, और लोग दुनिया के कोने कोने से
लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। नवरात्रों में लाखों लोग आते हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है भक्ति भावना से दूर होती जा रही है, उनके लिए क्या संदेश है आपको? उनके लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति में, अपने अतीत में विश्वास करोगे तो आपको अपने बारे में भी पता चलेगा कि आप किस वंश से हो, किस जाति से हो। आर्य वंश जो भगवान राम का है, आप उनकी संतान हो। एक और लोग विदेशों से हमारे यहाँ मानसिक शांति के लिए आते हैं देश के मंदिरों में, दूसरी तरफ हमारे देश के लोग मंदिरों से दूर होते जा रहे हैं। नव बाहर के देशों में जिन जिन लोगों ने प्रचार किया है, स्वामी विवेकानंद जी, लोग वहाँ की पाश्चात्य सभ्यता से तंग आ चुके हैं, इस वास्ते उनका हमारे हिंदू धर्म की तरफ रुझान बढ़ रहा है, वो इसमें रुचि ले रहे हैं। हमारे लोग दूर होते जा रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में लोगों को जब मानसिक उनका उद्वेग उठेगा, उनका मन अशांत होगा, तो शांति के लिए वो ज़रूर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अपने धर्म में जो प्रार्थना करने में, जो प्रेरणा लेने में शांति मिलती है, वो ऐसे बाहर में शांति नहीं है, किसी धर्म में शांति नहीं है। अब कोई दूसरे धर्म का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन किसी धर्म में ये प्रचार नहीं किया जाता है कि अहिंसा परमो धर्मा, यह हमारा वर्ष कहता है। हम जब कहते हैं विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, हम ये नहीं कहते हैं कि हिंदुओं का कल्याण हो, हम ये कहते हैं विश्व का कल्याण हो। विश्व में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन सारे रहते हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। सेठी जी, आपने जो हमारी युवा पीढ़ी को जो जानकारी दी है, मुझे लगता है कि ये उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी और बहुत कारगर सिद्ध होगी। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।